बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इसका कोई ब्लेम या क्लेम नहीं है। तो आज सबसे पहले मार्केट के व्यू के ऊपर नज़र डालते हैं और उससे पहले हम नज़र डालते हैं ज़रा फीपीलीपी डेटा के ऊपर। तो फीपीलीपी डेटा के ऊपर नज़र डालें तो आज ज़रा खौफनाक सा फीपीलीपी डेटा नज़र आ रहा है। फॉरन कॉरपोरेट्स ने हैवी सेलिंग की है, सबसे हैवी सेलिंग अदर सेक्टर्स में की है। कंपनीज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, बैंक ने भी सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है। तो जो बाइंग की है वो इंडिविजुअल ने की है जो कि इंतहाई खतरनाक है, पर म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स ने बाइंग की है जो कि है ही प्रॉफिट टेकिंग के लिए, ठीक है, जो कि आते ही प्रॉफिट टेकिंग के लिए है। तो आपने कुछ लेवल्स पे एहतियात रखना है और मार्केट इंशाल्लाह ताला सुबह भी अपसाइड तो लेगी, लेकिन आपने कुछ लेवल्स पे आगे प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना, थोड़ा बहुत मतलब 60-70% प्रॉफिट बुक कर लेना है, बेहतर है। तो उससे उसके बाद नजर डालते हैं जी ये फीपीलीपी डेटा। फीपीलीपी डेटा के बाद देखते हैं मार्केट का व्यू ग्राफ के ऊपर। तो मार्केट का अगर डेली पाइवोट चेक करें तो डेली पाइवोट से मार्केट की ऊपर क्लोजिंग हुई है, 200 पॉइंट मार्केट ने गेन करके बंद हुआ, तो एक अच्छी बात है। बोलिंजर बैंड भी खुल रहा है तो डेली बेस पे ये भी एक अच्छी बात है। हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और ओवरऑल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है डेली बेस पे, ठीक है। और उसके अलावा मैकडी को देख लें, मैकडी भी पॉजिटिव इंतहाई पॉजिटिव आई है ऊपर, लेकिन जब तक ये मैकडी ये सिग्नल लाइन जीरो से ऊपर नहीं आ जाएगी, जो अप ट्रेंड है वो मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो है ना वो वापस नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि ये अगर इस 2-3 दिन जो है ना कंटिन्यू रहती है तो ये भी सिग्नल लाइन भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। और RSI बहुत अच्छा 50 से ऊपर चला गया, अपनी रेजिस्टेंस लेवल तोड़ चुका है, ठीक है। अगली रेजिस्टेंस RSI को 75 के ऊपर है जो कि अभी थोड़ी दूर है और ये अपने बुलिश सीजन के अंदर आ गया है। तो ओवरऑल डेली बेस पे तो कोई इसमें शक नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर बंद हुई है। ये मार्केट की 47986 जो थी वो रेजिस्टेंस थी वो मार्केट ने तोड़ दिया है और ऊपर आगे क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। वॉल्यूम अच्छे बने हैं, हिस्टोग्राम भी कम है, वो वीक हैं, RSI भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की, ओवरऑल इंडिकेटर ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब आपने एहतियात क्या रखनी है? देखें, नो डाउट मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम इस इंडिकेटर पे देखें ना तो इस इंडिकेटर पे कह रहा है कि ये जो रीजन है ना ये 114 वाला, इसमें क्या होता है कि 50-50% ऑलमोस्ट बाइंग सेलिंग जो है ना वो बाइंग सेलिंग आती है, लेकिन जैसे ही ये 200 क्रॉस करेगा जो कि एक्सपेक्टेड है क्रॉस कर जाएगा तो बायर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। 300-330 के करीब भी बायर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड आ जाती है, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने ये लेवल 335-350 का लेवल आपने जहन में रखना है। हाँ, इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए रेडी रहेगी, लेकिन वो भी 532 के बाद सेलिंग एक्सट्रीम है। 532 मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग एक रीजन है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, और 350 और 550 ये दो रीजन है मार्केट के जहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन क्या करना है आपने, आपने 350 पे हल्की सी 30% प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, 500 के पास आगे 30% और प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, वेट करना है कि क्या करता है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ अगर देखें ना 2 आवर्स का, ठीक है, 2 आवर्स पे देखें तो मार्केट अपने ये यहाँ पे तो टोटल जो है ना ये बता रहा है इंडिकेटर के टोटल बाइंग आई है साइड पे ना, यहाँ इससे ऊपर ऊपर 47945 से ऊपर ऊपर टोटल बाइंग आई है, कोई सेलिंग नहीं हुई, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कल भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हिस्टोग्राम भी मतलब वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर रहा है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि 350 का मार्केट इंशाल्लाह ताला हिट करेगी और वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, ये ना हो कि बंदा बैठा रहे और देखे कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद में थोड़ा बड़ा भी बंदा गवा बैठता है। और मैकडी देख लें, दो आवर्स की कैंडल पे बेहतरीन है, अपसाइड है,
RSI अपनी बुलिश जोन में या तो एंटर हो जाएगी या तो 330 के बाद यहीं से वापस हो जाएगी, और ये हाईली ओवरबॉट रीजन में अब चला गया है इस इंडिकेटर के मुताबिक। ये इंडिकेटर पहले ही बता रहा है कि हाईली ओवरबॉट कंडीशन में बंदा फिर रहा है, ठीक है। RSI बुलिश जोन में है, MACD 1 घंटे के बेस पे लास्ट 2 और में वीक हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल अच्छा है, तो डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला 330 मार्केट लगाएगी और वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वहां से मार्केट डिसाइड करेगी कि उसने जाना किधर का, 550 की तरफ जाना है या 200 की तरफ आना है। तो आपने हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी है थोड़ी बहुत ही, और वेट करना है थोड़े डिप का, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 690 से चली थी, 4690 से चली थी, और आज मार्केट 48 से भी ऊपर जाके क्लोज हो गई है। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 1600 पॉइंट गेन कर ली है। तो 1600 पॉइंट मार्केट ने गेन कर ली, इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत एक्सट्रीम जो है ना वो मोमेंटम में आ चुकी है, इसका कोई शक नहीं है। लेकिन आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। हाँ, डे एंड में अगर 350 से ऊपर ऊपर मार्केट दोबारा क्लोज होती है तो और मार्केट ज्यादा आप इन हो सकते हैं, और किसी भी टाइम अगर 350 मार्केट का ऊपर क्लोज मारती है तो अपने शेयर्स और ज्यादा खरीद सकते हैं, तो सेफ साइड पे मतलब रहने के लिए। तो ये था जी मार्केट का छोटा सा व्यू पीपीलीपी डेटा की बेस पे और डेली के इंडिकेटर की बेस पे, और 2 लेवल्स जिस पे आपको एहतियात करनी है और जिन पे आप थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।